चली गई ताकि सही से दिखाई दे। यहाँ पर लोग सारे जमा हो गए, इकट्ठा हो गए। फाइनल लुक इतनी जबरदस्त बनी है ना। अभी 12 बजने के लिए थोड़ा टाइम है और आज भी नमाज पढ़ रहा है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। अंडा हमारा बन गया है, अंडा हमारा बन रहा है और मैं हाफ फ्राई नहीं खाती, मैं ये लोग को मैं पका कर खाती और साथ में मेरी मज़ेदार सी चाय भी बन चुकी है। अंडा भी बन चुका है, पराठा भी रेडी है, अब मैं चाय डालती हूँ अपने लिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का ब्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं सुबह उठी हूँ, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, एलर्जी थी। एक और टैबलेट ली, एक रात को ली थी, कभी ली थी, ली है और मैंने सोचा क्यों टाइम वेस्ट कर रही हूँ, उठ जाऊँगी, नाश्ता कर लूँगी। 7 बज रहे हैं, सुबह का टाइम है, बहुत प्यारा मौसम है। वो फिर मैं नाश्ते के बाद आपको दिखा दूँगी और अभी मैं चलती हूँ, नाश्ता करती हूँ। नाश्ता ठंडा हो रहा है और सुबह जल्दी उठ कर ना जो आई बात है ना मज़ेदार सी, वाह वाह, उसका मैं बता नहीं सकती। तो अब हम चलते अपना नाश्ता करते हैं। टीवी भी मैंने ऑन कर दिया ताकि अभी मैं नाश्ता भी करूं और साथ में कोई ड्रामा या व्लॉग भी लगा लूं। मैंने कालीन भी वॉश कर दिया, अब इसको ना इसका पानी वाइपर के साथ हटाना है और ये शॉपर ना कचरे से भर के ऐसे मैंने देना है कूड़े वाले को, और ये मैं इस तरह इसका वाइपर से सारा पानी इस तरह हटा दूंगी। अभी मैंने वॉश कर दिया, इधर मैंने इस तरह खड़ा कर दिया ताकि इसका जो पानी है वो नीचे चला जाए। बाहर गए थे हाँ? मुझसे पूछा था नहीं, फिर पूछ कर जाना नहीं। ये कपड़े हैं जो पानी दे दो, एक सेकंड, ये कपड़े हैं धुल चुके हैं और सूख भी चुके हैं, अब इनको मैं तय करती हूँ। अब यान ने नहा लिया, कपड़े चेंज कर दिए शुक्र है, और अफनान ने भी नहा लिया, अभी कपड़े चेंज कर रहा है, शर्ट पहन रहा है ना, इसे बड़ी शर्म आती है। अफनान को ना बड़ी शर्म आती है कि जब ये कपड़े चेंज करता है ना तो छुप के बिल्कुल किसी को नहीं दिखाता, मुझे थोड़ी बहुत दिखा था अफनान ने पापा का पर्स। यहाँ पे भी ना देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डस्ट है, इसीलिए अभी मैं साफ़ कर दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, पता नहीं कहाँ से मिट्टी आ जाती है इतनी ज़्यादा। सारा घर तो हमारा बंद होता है, पर ये है ना कि मैं जाली वाला दरवाज़ा खोलती हूँ ना, अब यहाँ शायद उससे आती है, ऐसे नहीं पता, वो ज़रा शायद कैमरा के सामने नहीं बोलता, अपनी ब्लॉग में तो अच्छा बोलता है। के काम देखो ना, ये बार बार अभी ये खोलने लगा है, गोते रसी इसकी फिंगर आ रही है, नहीं कभी पता है, हाँ इधर पड़ा है, ये छुपा दो, वो ये भी खुशी में आ गया है। अफनान अभी देखो यहाँ पर, अफनान के साथ ब्लैक शर्ट कितनी अच्छी लगती है और अफनान के बाल निकल आए, इधर आओ दिखाओ सबको, और अभी यहाँ तुम्हारी भी निकल आए हैं ना, इन लोगों ने यहाँ पर जय नमाज बिछाई है, नमाज पढ़ेंगे, और हमारे कुछ गेस्ट आए हैं वो लोग अंदर सो रहे हैं। यान भी नमाज पढ़ रहा है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से, अब यान ना इस पे पढ़ाता है, जो मिस्टेक होती है ना तो अब यान वो अफनान की ख़त्म कर देता है। पर मैं सारी जगह वॉश कर रही हूँ, पानी मैंने डाला है, वाइपर मैंने लिया और अजलान ना मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। अब यान से कहा है कि टीवी की आवाज़ लो कर दो ताकि वीडियो में आवाज़ ना आए, और शाम के टाइम मैं अक्सर जगह वॉश करती रहती हूँ ताकि जो है ना घर इतना ठंडा हो जाए ना, वाकई में जब इस टाइम घर धो ना फिर घर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और मतलब पूरी रात तक सारा घर ठंडा रहता है। तो सुबह जो है ना, सुबह अगर जितनी बार भी वॉश कर लो ना तो वो नहीं ठंडा होता, इस बार इस टाइम ठंडा कर लो ना, और जो दरवाजे हैं ना वो खुले छोड़ दो और तेज़ पंखे लगा दो, फिर जो हब्स होती है ना वो सारी निकल जाती है और घर ठंडा हो जाता है। तो अब मैं ये सारी जगह वॉश कर रही हूँ, वाइपर लगा रही हूँ, पहले मैंने ब्रश फेरा है और जो है ना अभी बस वाइपर लगा रही हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ वाइपर लगाने के बाद। घर भी सारा वॉश हो गया शुक्र है, और अजलान जो है ना अभियान के साथ बैठा हुआ है, क्या हुआ, ये इस ढक्कन के साथ खेल रहा है, कूलर पानी वाला कूलर नहीं होता उसका ढक्कन, उसके साथ खेल रहा है।
ये मैंने बनाई है बिरयानी, गेस्ट आए थे उनके लिए बनाई है, और दम पे अभी मैंने लगा दी थी, अब देखते हैं कैसी बनी है। फाइनल लुक इतनी ज़बरदस्त बनी है ना, बस बहुत गर्मी थी मैंने कम बनाई है। अभी 12 बजने के लिए थोड़ा टाइम है और अब वहाँ मैं बाहर जाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि हमारी गली में 14 अगस्त के लिए कितनी ज़्यादा फायर वर्क होती है, बहुत ज़बरदस्त टाइम। अब मैं जाती हूँ, अजलान मैंने रेडी कर लिया, खुद बस मैं रेडी हूँ, ठीक हूँ। यहाँ पर लोग सारे जमा हो गए, इकट्ठा हो गए, अब देखें ये देखें ना, आप सारे शुरू हो गए। आप सबको दिखाई दे रहा है ना कितना मज़े का फायर वर्क हो रहा है। अभी तो 12 नहीं बजे पर फिर भी ये सारा हो, और मुझे तो डर लग रहा है कहीं ऐसा हो मुझ पे। मैं नज़दीक चली गई हूँ ताकि सही से दिखाई दे। ये सारे देखे ना, ये क्या हो रहा वही खजतान लारे होते तब पर पड़ा ला। वो देखे ना सारा, वो देखो ना उस वक्त मैंने ऑन कर दिया और अभी मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, असलान सो गया और बस फायर वर्क वगैरह सारा हो गया। हमारे घर गेस्ट आए थे तो 14 अगस्त तो अब नहीं मना सकते, और दिल का जोर भी नहीं है और दिल भी नहीं चाहता ये कैसा 14 अगस्त है, क्योंकि हम आज़ाद नहीं है, हम जो है ना कैद हैं, तो हम अपनी कैद को नहीं मनाएंगे। जब हम पूरी तरह आज़ाद होंगे, जैसे मेरी तरह 1000 लड़कियाँ ऐसी होंगी जो कैद में होंगी, जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, पाकिस्तान में कुछ अपने लिए हम नहीं कर सकते। अगर हम यूट्यूब पर आते हैं, टिकटॉक पर आते हैं, अच्छा कंटेंट के साथ, कोई बेहयाई नहीं करते, तो लोग यही कहते हैं कि ये देखो ये बेहया ये औरत है और ये आई है, और ये किसी की मजबूरी नहीं समझते कि लोग यूट्यूब और टिकटॉक पर क्यों आते हैं, पर फिर भी लोग उन्हें बुरा समझते हैं और बुरा मानते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी कि हम लोग आज़ाद नहीं हैं, हम लोग अभी भी कैद में हैं।
लोगों की बातों की कैद में, लोगों की नजर की कैद में, ऐसी बहुत चीजें हैं कि हमें यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं मिलता। और अगर हम औरतें बाहर निकले तो हमारी माँ, बेटियाँ, बहनें, हम जो है ना महफूज नहीं है बाहर। तो तभी कुछ लोग जो है ना फिर वो यूट्यूब टिकटॉक से ही पैसे अर्न करते हैं ताकि हमारी इज्जतें जो है ना सेफ रहें। पर लोग उन्हें अच्छा नहीं समझते। बस इसी हाँ ब्लॉग के साथ मैं एंड करूंगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। 14 अगस्त का ब्लॉग पहले आएगा। जो दूसरा ब्लॉग है वो सरप्राइज ब्लॉग है आप सबके लिए, बहुत बड़ा और एक मोटिवेशनल वीडियो होगी, क्योंकि मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी ऐसा कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो वीडियो भी मैंने बनाई है, वो मैं इसके बाद ही अपलोड करूँगी। वो मैंने पहले बनाई थी और ये 14 अगस्त की बाद में, पर मैंने सोचा पहले मैं 14 अगस्त की वीडियो अपलोड कर लूँ, तो फिर इंशाल्लाह वो दूसरी सरप्राइज वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके साथ अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। मुझे अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।